subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में हम देखेंगे बैंक निफ्टी एनालिसिस फॉर नेक्स्ट वीक। तो लास्ट ट्रेडिंग सेशन में बैंक निफ्टी बंद हुआ है 37,959 पे, लगभग 188 पॉइंट गेन के साथ। हमने लगभग 0.5% गेन के साथ बंद होते देखा बैंक निफ्टी को। तो चलो शुरू करते हैं एनालिसिस विद द बिगर चार्ट। तो मंथली चार्ट पे आप देखोगे, लास्ट मंथ हमने लगभग 12.5% की रैली देखी थी और इस मंथ हम ट्रेड कर रहे हैं लगभग 1% गेन के साथ, लगभग 400 पॉइंट ऊपर। और ये जो है तो ऐसा लगता है कि ये रैली आगे भी कंटिन्यू रहेगी। यहाँ बीच में करेक्शन आ सकते हैं मगर वो बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगी। मुझे लगता है कि लॉन्गर टर्म में हम बैंक निफ्टी जो है तो 39,500 से लेकर 40,500 के लेवल की तरफ बढ़ रहा है धीरे धीरे। तो आपको आने वाले समय में इन मीडियम टू लॉन्गर टर्म 39,500 और 40,500 के टारगेट आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। अभी देखते हैं वीकली चार्ट। तो वीकली चार्ट पे देखोगे तो ये थर्ड गेनिंग वीक है बैंक निफ्टी के लिए। लास्ट वीक हमने लगभग 2.5% के गेन देखे थे, उससे पहले जो है तो 5.5% के, और इस हफ्ते लगभग 1% गेन के साथ हम ट्रेड कर रहे हैं। यहाँ जो है तो वीकली चार्ट पे हम देख सकते हैं कि आपको यहाँ जो टारगेट दिखेंगे ऊपर की तरफ वो रहेंगे 38,700 से लेकर 40,350 के टारगेट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। नीचे की तरफ जो सपोर्ट जोन है, मल्टीपल सपोर्ट जोन है मगर एक मेजर सपोर्ट जोन जो है तो 35,500 के अराउंड सपोर्ट जोन है। अगर एक डीपर करेक्शन आता है तो 35,500 के लेवल आपको बैंक निफ्टी दिखा सकता है, वो एक अच्छी खासी बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगी अगर उस लेवल पे बैंक निफ्टी आता है तो। अगर मोमेंटम कंटिन्यू रहता है तो आपको जो है तो टारगेट एक्सपेक्ट करना चाहिए 38,700, उसके बाद में 40,350 के टारगेट आप मीडियम टर्म में एक्सपेक्ट कर सकते हो। अभी देखते हैं डेली चार्ट। तो डेली चार्ट पे आप देखोगे हमने सेल ऑफ देखा, उसकी रिकवरी देखी। अभी जो है तो रिकवरी एक अच्छे खासे बुलिश ट्रेंड में कन्वर्ट हो चुकी है और यहाँ हम ओवरबॉट जोन में विद मोमेंटम अपसाइड पे ट्रेंड कर रहे हैं। तो यहाँ बैंक निफ्टी के लिए 38,000 जो है तो एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस है, उसके ऊपर आपको 39,550 और उसके बाद में 40,800 के टारगेट शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकते हैं। तो आपको यहाँ वेट एंड वॉच की सिचुएशन है बैंक निफ्टी में, 38,000 को क्रॉस हो देना है। अगर बैंक निफ्टी 38,000 का लेवल क्रॉस करता है आपके टारगेट रहेंगे 39,000, उसके बाद में 40,800 के टारगेट आप शॉर्ट टर्म में एक्सपेक्ट कर सकते हो। अगर 38,000 क्रॉस नहीं होता है तो मोस्ट प्रोबेबली हम एक डीपर करेक्शन देख सकते हैं जिसके टारगेट रहेंगे 36,900, उसके बाद में 36,200 और लास्ट में 35,500 तक भी करेक्शन आ सकता है। तो अगर नीचे के लेवल मिलते हैं तो वो लेवल मोस्ट प्रोबेबली आई विल यूज़ फॉर बाइंग अपॉर्चुनिटी, या मोस्टली मेरे बाइंग के मौके ही ढूंढूंगा। शॉर्ट करना है मुझे तो इंट्राडे बेसिस पे जब मोमेंटम आएगा मार्केट में करेक्टिव ट्रेंड में तब हम मोस्ट प्रोबेबली शॉर्ट लेंगे, मगर मोस्टली मुझे अगर कैरी करनी है पोजिशन तो आई विल कैरी मोस्ट ऑफ द टाइम लॉन्ग पोजिशन। और आपको वेट करना है, अगर फॉल आता है तो फॉल को कंप्लीट होने देना है, वहाँ से आपको फिर से जो है तो बीच बीच में शॉर्ट कवरिंग रैलीज देखने को मिलेगी। अगर मार्केट 35,500 पे आता है तो एक मीडियम टू लॉन्गर टर्म अच्छी बाइंग की अपॉर्चुनिटी रहेगी वो उस लेवल पे। तो उस लेवल को आपको क्लोजली वॉच करना है, वो लेवल आ सकते हैं अगर वॉर फ्रंट पे अगर सिचुएशन बहुत ही डायर हो जाती है और बहुत ही ख़राब हो जाती है तो उसके वजह से जो है तो आपको मार्केट में एक प्रॉफिट बुकिंग आती हुई दिखेगी, वो प्रॉफिट बुकिंग रहेगी ना कि बेरिश ट्रेंड। तो ये ध्यान में रखना है। अभी हम जो है तो यहाँ पूरा का पूरा ट्रेंड चेंज हो चुका है मीडियम टू लॉन्गर टर्म व्यू से, तो आपको मोस्ट प्रोबेबली लॉन्ग के मौके ढूंढने हैं। और अगर सपोर्ट जोन के पास आता है मार्केट तो आपको लॉन्ग ट्रेड ज़्यादा ढूंढने हैं मार्केट में। सो और ऑप्शन ट्रेडर के लिए सलाह रहेगी 38,000 के ऊपर जो है तो हम 37,500 का कॉल ऑप्शन उस पर फोकस करेंगे और उसके जो टारगेट रहेंगे वो रहेंगे हमारे लगभग 1,000 से लेकर लगभग 1,800 रुपये के टारगेट आप उस ऑप्शन में एक्सपेक्ट कर 1,800 से प्लस टारगेट जो है तो एक्सपेक्ट कर सकते हो। अगर मार्केट 38,000 पे के ऊपर जाने के लिए कामयाब नहीं रहता है तो आपको फोकस करना चाहिए इन द मनी पुट ऑप्शन, जो रहेगा 38,500 का पुट ऑप्शन, उस पर हम फोकस कर सकते हैं। मगर जैसे मैंने कहा आई विल फोकस ऑन पुट ऑप्शन,
ऑन इंट्राडे बेसिस ओनली, आई विल लुक फॉर लॉन्ग ट्रेड्स। तो लॉन्ग ट्रेड आपको ढूंढने हैं, यहाँ जो है तो बीच बीच में आपको करेक्शन मिलेंगे, मगर जो सेंटिमेंट रहेगा या फिर मार्केट का जो मेजर ट्रेंड रहेगा या फिर प्राइस मूवमेंट रहेगी, वो लॉन्ग साइड पे आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे। तो यहाँ बाय ऑन डिप्स व्यू रखना है, और जो मेजर लेवल है वो 35,500 का है, उसके अराउंड आता है। तो एक आप मीडियम टर्म लॉन्ग पोजिशन भी ले सकते हो विथ अ 2 to 3 month होराइजन, जिसका टारगेट 40,000 प्लस का भी टारगेट आपको उस पोजिशन में देखने को मिल सकता है। सो आई होप सो कि जो एनालिसिस है ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको श्योर शॉट इंडेक्स फ्यूचर और ऑप्शन कॉल चाहिए इन लाइव मार्केट विद सपोर्ट एंड फॉलो, तो मेरी पेड सर्विस ज्वाइन कर सकते हो, उसके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।